वी आर स्टार्टिंग द लास्ट थ्री क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th अभी हमारे पास चल रही है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 19 को लेता हूं। अगर मैं 19 को यहां पढ़ लूं तो 19 हमारे पास है ब्रदर cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। अगर आप इसको समझे और मैं आपसे कहूं कि रेंज क्या रहेगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की कोस की, तो आप कहेंगे कि वो 0 से पाई तक रहती है, बट ये आपका हो रहा है 210, 210 आपका 0 से पाई को क्रॉस कर रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट 7/6 नहीं लिख सकते हैं, आपको पहले इसे चेंज करना होगा। तो चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, आप इसे इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो गया 6/1, 7π/6 आपके पास आ गया है। तो ये हो गया कोस इनवर्स कोस। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। देखिए ये 0 होता है ना, ये पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर पाई और यहाँ पे 3π/2, ये आपके पास पाई प्लस पाई बाई 6, यहाँ पर आप कोस है, और अगर कोस यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है तो वो क्या निकलता है, नेगेटिव। तो आपके पास ये कितना ऑप्शन आ गया है, पाई बाई 6 ये यहाँ पर आ चुका है। और कोस इनवर्स आप इसको अच्छे से समझते हैं, मैंने एक्सरसाइज 2.1 में आपको समझाया था, आप इसे कैसे लिखेंगे, कोस पाई माइनस पाई बाई 6, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो गया, कोस इनवर्स, और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा कोस 5π/6, ये ऑप्शन रह गया है, तो आ गया है 5π/6। और ये जो 5π/6 है, 5π/6 है, ये किसकी रेंज में आ रहा है, आपका जो 0 से लेकर पाई तक की रेंज होती है ना, उस रेंज में ये आ रहा है, 0 से पाई तक जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कोस की। तो देखिए मैं अब आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर साइन और π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो ब्रदर आप यहां पर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 को, 1/2 को आप लिख सकते हैं साइन π/6 लिख सकते हैं ना। अच्छा देखिए मैंने आपको समझाया था साइन में 2.1, आपको थोड़ा सा भी अगर अभी रिवाइज में ध्यान आ रही है, तो ये माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, आपके पास यहां पर ये जा चुका है। तो इस ऑप्शन में अब आपके पास यहां क्या बचा, साइन, और यहां पर बच गया है पाई बाई 3 और माइनस माइनस पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 आपके पास यहां बच रहा है। तो ये हो गया है साइन, और यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो 6, और ये 2π प्लस पाई इक्वल टू आपके पास हो गया है साइन और 3π/6, आप इसे कैंसिल कीजिए, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1 होती है। तो ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। नंबर हम 30 पर 21 पर सॉरी यहां पर पहुंचते हैं, तो 21 हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है। यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा ब्रदर, अगर आपको सारी वीडियोस लिंक में या फिर मेमोरी कार्ड में एक के बाद एक एक्सरसाइज, एक के बाद एक क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से विथ टेस्ट ऑफ एवरी चैप्टर इस तरीके से अगर एक पेन ड्राइव में चाहिए, वो भी कुछ ज्यादा कॉस्ट में नहीं, आपके इंटरनेट प्लान से भी वो आपको सस्ता पड़ेगा, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे पास ऑप्शन है टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3, ये ऑप्शन है। तो देखिए आप इसे किस तरह से लिखिए, टेन इनवर्स √3 को आप क्या बोलते हैं, टेन पाई बाई 3, बात समझ रहे ना, तो टेन पाई बाई 3 आपकी वैल्यूज रहती है √3 की। ओके, यहां पर आपके पास है कोट इनवर्स माइनस है, और √3 कोट में कब आता है, जब आप बोलते हैं कोट पाई बाई 6, क्लियर है, सारी बात समझ में आ रही, यहां तो आप क्लियर हो चुके हैं कि पाई बाई 3 आ गया है। यहां के लिए हमें पहले इस माइनस को सोल्व करना होगा, ये माइनस आपको ध्यान है, मैं इस तरह से इसको लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 6, एक्सरसाइज 2.1 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया है कोट इनवर्स कोट, और यहां पर आ गया है 5π/6। अब देखिए ये चले गया, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा, पाई बाई 3, और माइनस आपके पास ऑप्शन बचा है कितना, 5π/6, यहां पर आपके पास ये ऑप्शन आ गया, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया, चलिए एलसीएम लीजिए तो 18, ये 6 आपके पास एलसीएम आ गया है, और 3 2 6 2π माइनस 5π, ये आपके पास ऑप्शन है, तो आपके पास कितना रह गया है, ये रह गया है माइनस 3π/6, और 3 से आप कैंसिल कर लीजिए, माइनस पाई बाई 2 आपके पास ये सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो हम इसे देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं हमारे पास है 6π माइनस 5π, तो
तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप ये इजी सम आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मेरी वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से एक फोल्डर में, एक पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में खरीदना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।